हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दरअसल ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा मूवी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आज हम जानेंगे कि क्यों लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट करने का हैशटैग ट्विटर पर इतना ट्रेंड कर रहा है। दरअसल लाल सिंह चड्ढा मूवी 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही ट्विटर पर लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट करने की जंग छिड़ गई है। जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। तो इसके पीछे के दो रीजन है। पहला, आमिर खान ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी वाइफ इंडिया में सुरक्षित महसूस नहीं करती। किरण एंड आई हैव लिव्ड ऑल आवर लाइव्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। किरण सेज शुड वी मूव आउट ऑफ इंडिया नाउ, दैट्स अ डिजास्ट्रस एंड वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर किरण टू मेक टू मी। तो आमिर के इस बयान के बाद उस वक्त भी काफी बवाल हुआ था, इसी वजह से लोग आमिर की लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट करना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा रीजन जिसकी वजह से ऑडियंस इस मूवी को बॉयकॉट करना चाहती है, वो है करीना कपूर खान का दिया हुआ एक इंटरव्यू, जिसमें नेपोटिज्म के ऊपर उनसे पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि ऑडियंस ने हमें बनाया है और किसी और ने हमें नहीं बनाया है। आप जा रहे हैं हमारी फिल्में देखने तो मत जाओ, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है हमारी फिल्में देखने के लिए। तो बेसिकली ये था करीना कपूर का जवाब। The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers as also, they are only making these nepotistic stars. Na, आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ, nobody has forced you. तो लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट करने के ऑडियंस के ये दो रीजंस है जिसकी वजह से इस मूवी को बॉयकॉट करने का हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आपकी क्या राय और व्यूज है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके साथ ही आप बॉयकॉट रक्षाबंधन मूवी के पीछे का विवाद भी जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।